नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़े वीडियो बनाता रहता हूं। आज का टॉपिक है कि जिन लोगों के पास लखनऊ में अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को लखनऊ में कैसे मकान मिल सकता है बहुत ही कम कीमत पर, इस पर आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं लेकर आया हूं जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख रुपए है या महीने की 25,000 रुपए तक की है। ऐसे लोग लखनऊ में अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को इस योजना की शुरुआत कर दी है और सबसे अच्छी बात है कि इस योजना को ट्रायल के रूप में देश के 6 राज्यों में शुरू किया गया है, उसमें से एक राज्य अपना उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश में इस योजना को जहाँ फाइनल किया जाना है, जो लोकेशन तय की गई है वो है लखनऊ। लखनऊ में कहाँ पर है, लखनऊ में ये अवध विहार योजना में है। यहाँ पर लाइट हाउस तकनीकी से फ्लैट बनाए जाएंगे। ये लाइट हाउस तकनीकी से जो फ्लैट बनेंगे ये इनकी संख्या 1040 होगी और इसके लिए जो आवेदन खुलने वाला है वो खुलेगा मार्च में। तो जो लोग भी लखनऊ में सस्ती कीमत पे मकान लेना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार ने इसमें कहा है कि हम ऐसे लोगों के लिए 70% से ज़्यादा खर्चा वहन करेंगे। जी हाँ, इस फ्लैट की कीमत तकरीबन 14 लाख रुपये के आसपास होगी और आपको सिर्फ देने पड़ेंगे 4,75,000, यानी आपको 13-14 लाख का फ्लैट सिर्फ 4,75,000 रुपये में सरकार देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सरकार की एक योजना ये थी कि सरकार चाहती थी कि हम अपने प्रदेश के और अपने देश के सभी निवासियों को उनको अपना घर मुहैया करा पाएँ। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की शहरी और ग्रामीण, फिर उन्होंने एक योजना ये भी दी कि जो लोग भी अपने पास से मकान बनवाते हैं तो उसमें सब्सिडी के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पैसा मिल जाता है। इस योजना के तहत आपको बना बनाया मकान दे रहे हैं बिल्कुल सब्सिडी के माध्यम से शहरों में, और उसके लिए पहले जो राज्य चुने गए हैं 6, उसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ चुना गया है। लखनऊ के अवध विहार योजना में इसका 2 हेक्टेयर भूमि तय कर ली गई और वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। 12 मंजिल का एक फ्लैट बनाया जा रहा है जिसमें टोटल 1040 फ्लैट होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो फ्लैट बनेंगे लाइट हाउस तकनीकी से बनेंगे। लाइट हाउस तकनीकी आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। लाइट हाउस दोस्तों तकनीकी वो तकनीकी होती है जिसमें मकान की जो कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है वो कहीं और से ढाला जाता है, बना बनाया रेडीमेड लाकर उसको असेंबल किया जाता है मकान। मतलब लाइट हाउस तकनीकी में मकान एक ही जगह पे ना बनाकर उसके अलग अलग जगह पे पार्ट बनते हैं और वहाँ पे आके वो असेंबल हो जाता है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर पे बहुत सारे जो सामान होते हैं वो मदरबोर्ड पे लगा दिए जाते हैं और मदरबोर्ड तैयार हो जाता है, तो उसी तर्ज पे लाइट हाउस तकनीकी है। ये क्या करते हैं, बाहर से मटेरियल मतलब आपका जो पिलर है, बीम है, ये सब जो है बाहर से ढल के आएगा। जैसे मेट्रो में पिलर बाहर से ढालते हैं फिर वहाँ रखते हैं, तो इसी पैटर्न पर ये मकान बनाए जाते हैं लाइट हाउस तकनीकी वाले। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें एक तो खर्चा कम आता है, दूसरा ये कि इसमें जो है आपका जो मकान जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। और इसके तहत इनका जो टारगेट रखा गया है वो हम आपको बता दें कि 12 मंजिल की जो बिल्डिंग है इनको 1 साल में बनानी है। 2 हेक्टेयर की भूमि पर 1040 फ्लैट ये आपको 1 साल में बनाकर दे देंगे। सरकार ने तय कर दिया है कि इस योजना के लिए जो लोग भी आवेदन करना चाहें वो अगले 2 महीने बाद यानी मार्च और अप्रैल में इसके आवेदन आने वाले हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भी लोग दोस्तों चाहते हैं कि वहाँ पर उनको वो मकान मिले, अपने पेपर जो भी ज़रूरत पड़ते हैं आम तौर पे आवेदन करते समय, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब बिल्कुल ओके रखिए, क्योंकि मौके कभी कभी आते हैं और जब लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो सरकार को मजबूरी है कि उसमें लॉटरी पड़नी है। लॉटरी जब पड़े तो आपके पास सारे पेपर तैयार हों, इस वजह से मैं आपको ये एडवांस में वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर पाएँ। अब आप बात करते हैं कि ये जो मकान बनेगा कितना एरिया होगा इसका। इसका एरिया होगा दोस्तों 34.50 मीटर। आमतौर पर जो EWS की कॉलोनी बनाता है LDA या KDA वहाँ पर 34.50 मीटर का ही एक एरिया दिया जाता है आपको। ये सरकार ये मान के चलती है कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो इतने बड़ी लैंड में अपना एक आशियाना बना सकता है और आसानी से रह सकता है, खासकर वो लोग दोस्तों जो किराए पर रह रहे हैं मकान लेकर, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। और उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में शुरू हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश है, झारखंड है, रांची है, त्रिपुरा है, गुजरात है, टोटल 6 राज्य हैं जहां पर
शुरू किया जा रहा है ये योजना, और 1 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। तो जो लोग भी अपना लखनऊ में मकान बनाने के लिए सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका आया है। तो आप लोग तैयार रहिए अपने सारे पेपर वगैरह रखकर, और मार्च और अप्रैल में इसके लिए आवेदन आने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर कुछ काम का लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।